सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैदराबाद वर्सेस मुंबई का मैच का यहाँ पे प्रेडिक्शन। तो गाइस वीडियो में बने रहे, तो गाइस वीडियो को मैं पूरा एंड तक देखते रहना, आपको सब कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शन पे पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जाते हैं मैच में, यहाँ पे हैदराबाद वर्सेस मुंबई का मैच में। तो गाइस किसी एक हम लीग को ज्वाइन होकर यहाँ पे क्रिएट टीम कर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे विकेट कीपर्स में यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूं, आदित्य दारक, इंडिका, किशन और रोदिमन शाह, जॉनी बेयरस्टो। तो गाइस मैं आपको बहुत बहुत से रेकमेंड करूंगा कि क्विंटन डिका को ले लीजिए, क्योंकि क्विंटन डिका कल का मैच बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं ऐसा लगता है तो आए मुझे। तो गाइस बेयरस्टो लास्ट टू मैचेस बहुत ही अच्छा खेले हैं, तो कंटिन्यूसली कोई भी इतना नहीं खेल सकता। अगर आपको लगता आए तो आप जॉनी बेयरस्टो को भी ले सकते हो अगर आपकी मर्जी। तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स की जगह में आए तो आप देख सकते हो हार्दिक पांडे को तो ले लीजिए, और कृणाल पांडे, दोनों पांडे ब्रदर्स को ले लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद का टीम के वजह से आप टीम में किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो मोहम्मद नबी को ले लेते हैं, मोहम्मद नबी भी एक अच्छा ऑलराउंडर है। और यहाँ पे बैट्समैन में रोहित शर्मा को लेना ही चाहिए कल का मैच में, तो एक्स्पेशली तो युवराज सिंह को भी ले लीजिए ऐसा लगता है कि। और यहाँ पे बैट्समैन में डेविड वार्नर को ले लीजिए, और कोई कितना तीन प्लेयर्स हो गए, अभी एक प्लेयर को लेना पड़ेगा। तो किसको लेते हैं हम, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को ले लेते हैं, लास्ट मैच बहुत ही अच्छे खेले थे। और यहाँ पे बॉलर्स में आए तो भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे जेसन बेरेंडा एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, उनको ले सकते हो। और राहुल चार इतना गारंटी नहीं है, बुमराह को ले लीजिए। तो भाई यो यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे साथ ही प्लेयर्स ले सकते हैं हमारा टीम का। तो भाई हम दूसरे टीम वालों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे बैट्समैन में हम मनीष पांडे को लेते हैं कल का मैच में, तो क्या होगा, मनीष पांडे भी एक बहुत ही अच्छा प्लेयर्स है। तो यहाँ पे बुमराह को ले लेते हैं, बुमराह को लेना ही चाहिए इसलिए ऐसा किया था मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे बॉलर्स में अभी सिद्धार्थ कौल और भुवनेश्वर कुमार। तो क्रेडिट यहाँ पे 8.5 भी नहीं है हमारे पास अभी, तो 8 पॉइंट्स का कोई भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर रशीद खान का पॉइंट्स 8 है, तो हम किसी एक ऑलराउंडर्स को निकाल देते हैं, जो कि मोहम्मद नबी को निकाल कर हम दो ही ऑलराउंडर्स रखते हैं। और यहाँ पे बॉलर्स में ज़्यादा लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे तो हम रशीद खान को लेते हैं, तो अगर यहाँ पे तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे 12 प्लेयर की जगह आप किसी को ले सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 प्लेयर की जगह यहाँ पे लगता तो है कि जो खेलेगा वो भुवनेश्वर कुमार को ले लीजिए। भुवनेश्वर कुमार को बॉलर्स में लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया वो, तो पता नहीं यही टीम अच्छा हो सकता है कल का मैच का। यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा और वाइस कप्तान क्विंटन डिकॉक। तो वाइस देख सकते हो, मैं फिर एक बार आपको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, जो कि मेरा कप्तान रोहित शर्मा है और यहाँ पे वाइस कप्तान भुवनेश्वर कुमार, और 12 प्लेयर यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार। मैं लेना चाहता था भुवनेश्वर कुमार को 11 के अंदर, तो नहीं ले पाया, तो इसमें 12 प्लेयर की जगह लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों ऑलराउंडर्स हार्दिक पांडे और कृणाल पांडे, और विकेट कीपर यहाँ पे क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, मनीष पांडे।